नमस्कार जय हिंद। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं यादवपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के निवास स्थान अनाज मंडी से तस्वीरें हैं। और जैसा कि आप लोग सभी ने सुना होगा कि यादवपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। और आज सुबह उन्होंने जो ट्वीट किया उससे को लेकर साफ रूप से कहा जा सकता है कि एक दो दिन में कुलदीप बिश्नोई भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। और कल शायद ऐसे भी सुनने को मिल रहा है सूत्रों के हवाले से, ये भी खबर आ रही है कि कल यादवपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा स्पीकर रणवीर गंगवा से कल मिलने का समय मांगा है। हो सकता है कि कल 12 बजे वो अपना इस्तीफा देकर परसों यानी कि 4 तारीख को भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यादवपुर उनके निवास स्थान की तस्वीरें हैं और यहाँ पर उनके समर्थक उनसे जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आज की जो मीटिंग है वो भाजपा में जाने से पहले लेकर आखिरी बड़ी मीटिंग है। उनकी माता जी है जसमा देवी जी, वो भी पहुँचे हैं। उनकी धर्मपत्नी रेणुका देवी है, वो भी पहुँचे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं कि भारी मात्रा में उनके समर्थक है आज उनसे मिलने पहुंचे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने एक आज मैसेज डलवाया था कि शाम को 5 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि परसों यानी कि 4 तारीख को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आप लोग अपनी कमेंट करके राय जरूर बताएं कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं क्योंकि लगभग 25 से 30 साल हो चुके हैं यादवपुर को विपक्ष में रहते हुए, जिसके चलते यादवपुर में काम नहीं हो पा रहे हैं। उन कामों को लेकर भी कुछ लोगों को कहना है कि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में यानी कि सरकार की तरफ जाते हैं तो लोगों के काम है, जैसे सड़कें हैं, सीवरेज के काम है, बिजली के, बाकी गांव में और काम है या शहर में काम है, वो काम होने शुरू हो जाएंगे। उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि 1-2 ग्रांट है वो भी आई हुई है, जो कि यादवपुर में भी सीवरेज को लेकर है या पानी को लेकर है या पानी निकासी को लेकर है, वो जो ग्रांट आई है वो लगना भी शुरू हो चुकी है। उनका असर भी देखने को अब मिल रहा है। अभी आप लोग इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में जाना कितना सही है और कितना गलत है, अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं कि भारी संख्या में उनके समर्थक उनसे मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ उनके लड़का बिश्नोई है, माता जी सुषमा देवी भी उनके साथ मौजूद है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट से अपनी राय देते रहें कि यादवपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना कितना सही समझते हैं आप लोग। बैठ जाओ, काफी सा जो हेलो
और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आप अभिन प्रयोग चुनाव होता है तो चुनाव कौन लड़ने वाला है, कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे या उनके बेटे भव्य बिश्नोई लड़ेंगे। और साथ में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि लगभग 25 से 30 साल बाद में आदमपुर में राज आने वाला है, तो हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार में से किसी भव्य बिश्नोई है उनको बड़ा पद मिले, चाहे मंत्री पद है या अन्य कोई पद है। और भी बातें चल रही है कि 2-3 शर्तें और भी हैं उनको लेकर इतना टाइम लगा है। बाकी अभी कुलदीप बिश्नोई मन समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं। भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं उनसे मिलने आज पहुंचे, उनसे सलाह मशवरा है, उनको कुछ अपनी राय देनी है, उनसे बातें करने आज लोग पहुंचे हुए, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। शेयर करते चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मदनलाल अमर रहे अमर रहे, मदनलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आवाज आवे लरे गड़ी आवे के नहीं नहीं माइक की तो बड़ी आवाज ही डाटा नहीं आवे, आवाज दिल्ली तक ही आवे जनाब। सभी को मेरी नमस्कार। नमस्कार। एक तो मैं दिल की गर्म भाषण दूंगा नहीं कोई भी, सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने आए और साथ मांगने आए। एक तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ दो कारणों की वजह से। एक तो ये कि आप लोग इतने छोटे से नोटिस पे इतनी भारी संख्या में ऊपर रखो और इतनी भारी संख्या में आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा का देने आए हो। दूसरा आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि चाहे हमारा कैसा भी वक्त रहा हो, अच्छा हो बुरा हो, बहुत अच्छा हो बहुत बुरा हो, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। 26 साल से हमारी सरकार रही, 1996 में चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री से हटे थे, तब से लेकर अभी तक हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं और संघर्ष के आपने तन से मन से धन से हर तरीके से मुझे आपने मेरे सिर पे हाथ रखा। कभी आपने अभी कुछ समय से हल्के के अंदर जब मैं घूमता था या हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं को देखता था या और इलाकों में जाता था जहां मैं समझता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं का इलाका तकलीफ थी, विकास के मामले में हम थोड़े पिछड़ रहे हैं क्योंकि 26 साल से सरकार नहीं रही, विपक्ष में होते भी जितने काम मैं करवा सकता था मैंने करवाए, आप गवाह हैं इस बात की। लेकिन सरकार में होना और विपक्ष में होने के काम करवाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी हाल ही में विपक्ष में होते हुए भी
पौने 200 करोड़ रुपए मैंने पिछले 2.5 साल में आदमपुर हल्के को लेके दिए, इस बात के भी आप गवाह हैं। मैंने काफी पैसा
जो धारणा जो भावना देश के प्रति है कि देश को आगे लेके जाना है, गरीब को हमें और मजबूत करना है, गरीबी खत्म हो और देश आगे बढ़े, तो क्यों ना मैं कैसे प्रधानमंत्री को मजबूत करें, क्यों ना मैं कैसे मुख्यमंत्री को मजबूत करें, क्यों ना हमारे हलके को मजबूत करें, क्यों ना हम हिसार लोकसभा को मजबूत करें, क्यों ना हम हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करें जो बेचारे 26 साल से टूटे पड़े। मेरे पास मेरा कार्यकर्ता अकेला आया करता था गाड़ी भर भर के लोगों के, आज मेजोरिटी कार्यकर्ता मेरा 4-4, 5-5 कार्यकर्ता हरियाणा के मेरे एक गाड़ी बैठ गया। क्यों? क्योंकि पैसों से टूट लिए बेचारे 26 साल, उसके बावजूद भी भाई साहब आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो मन में तकलीफ होती है। जो आदमी बेचारा इतना दुखी हो रहा है, इतना पिछड़ा है, उसके बावजूद ही मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उनका उनको उनके लिए कुछ करूँ। तो आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूँ कल। होगा हर हाल में, कल मैं इस्तीफा दे दूंगा। बात भी होगी, मैं इस्तीफा देखिए जो कल मैं मतलब कर रहा हूँ, हम चैलेंज कर दूंगा। कोई आ गया अगर आपके आपके आज्ञा लेके आपके परमेश्वर आपका भाई आपका बेटा आपका दोस्त परमिशन ले जाऊँ कल इस्तीफा दूंगा, परसों बीजेपी ज्वाइन करेंगे। प्रार्थना है, आई सारी भावना है, आई सिद्धा भैया, मैंने हमारे व्यापारी भाइयों से ऊपर मीटिंग ली थी, कमरे में अलग बुला बुला के और आप लोगों से भी अलग मीटिंग करके बात करी थी मैंने, सबसे उस वक्त भी राय करके फिर क्योंकि विलम्ब इसलिए हुआ कि तो सारे मन में लोग कई ने चेहरे पेशेंस बोले लेकिन अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो हमें कुछ मिलता नहीं। तो हर चीज की मतलब अच्छा बुरा सोच के अच्छी बुरी बात करके उसके बाद ही फैसला लेंगे। पहले दिन बढ़ जाए तो बच्चा की फिलहाल है तो फिर देखो बातचीत करके उसके बाद ही फैसला करेगा। और अच्छी पार्टी अच्छे लोग हैं तो भाई थे थोड़े देर सारी उम्र कांग्रेस का नारा मार रहा है, थोड़ा बदल कांग्रेस के भाई साहब यह ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया नारे मारने की कहने की जरूरत है। उसके बाद बीच में एक बात रह गई थी, बाल समझ गई थी, हमारी 12-15, 18-20 गाँव है मुआवजे की बात, वो भी सीएम से मैं मिला उनके जाके दिल्ली उनके जान होगा कुलदीप जी, ज्वाइनिंग आपकी बातचीत चली रही है अभी उसके बाद सभी मिल लेंगे। क्योंकि मेरे 68 दिन मेरे किसान धरने पर बैठे रहे, चाहे वो बाढ़ की बात की आदमपुर में बैठे रहे, उनके मुआवजों 2020 और 2021 के मुआवजे की बात, उसमें आदमपुर हल्का ही पड़ता है और रंजीत जी का नलवा हल्का इसके गाँव में पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मुआवजे के लिए मैंने मिलना है, फोन करिए तो हम गए। तो फिर मैं जाके मेरे सामने फोन करा के आया, मुख्यमंत्री का सिर कितना बड़ा है, मेरे सामने फोन किया और अभी देखो सारी रिपोर्ट भी चंडीगढ़ चलेगी, परमात्मा ने जाया तो 5-4 दिन में मुआवजा थाने आना भी शुरू। अभी अगर विपक्ष में रह के भी इतने काम हम कर पाते हैं तो पक्ष में रहने के बाद तो बहुत काम करवा पाऊंगा मैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो भाई जिन्होंने आज तक साथ नहीं दिया, अब क्योंकि बाय इलेक्शन होएगा 3-4 महीने में, उनको आपको मनाना है कि भाई 26 साल का वनवास कट रहा है हमारा, भगवान ना करे कुछ 19-20 हो गई तो फिर 26 साल और वनवासी रहना पड़ेगा। लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना है, परिवार की सारा प्यार है, सारी कृपा है, सारा फिर भी जोर छोड़ते चुनाव होता है। मैं पिताजी को भी कहा करता था कि हर चुनाव में मंडी में जब सारे तो लोग सारे तो मतलब अपना दिल में सब कुछ मानना है, तो पिताजी रेणुका
साहब भी रहेंगे, सारे माता जी भी रहेंगे, भाई रंजीत जी सारे हिंदुआजी बैठे हैं, जितने भी लोग गिल साहब गुजार जी सब बैठे हैं यहाँ पे, सब आपके मेहनत जैसा भाई, सब परिवार के लोग जिनके नाम नहीं दिए वो भी साथ ही आपके बीच में रहेंगे। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है एक बार फिर पूछ लो खाने जिंदगी के अंदर ज्वाइनिंग है अपनी, तो मेरी सबसे प्रार्थना है जो पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है, समझ क्यों मतलब है कि पहली चीज जो दिखाई वो जब आदमी जोड़ हुआ है, तो मैं एक लो यार भी पटको पेड़ गया उनको क्या फायदा, उनको दिखना चाहिए दमदार आदमी ज्वाइन हुआ है, अच्छी भीड़ दिखनी चाहिए। मुस्लिम समाज में तीन बार तलाक ही गए ना जी, तीन बार तलाक ही गए दो जीते। मैं कह रहा हूँ कि परसों सभी भाइयों से प्रार्थना, सारे के सारे भाई आओ, आवाज हमारी है, बस पूरा बोल लियो के बोलो दोबारा। तो मैं कह रहा था कि परसों मेरी प्रार्थना है कि भाई उनको एक प्रभावशाली ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज भारतीय जनता पार्टी में भी जाए कि भाई एक दमदार नेता कोई पार्टी में ज्वाइन हुआ। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है भाइयों से कि आप परसों सवेरे दिल्ली पहुंचना है सबसे जरूर, जितने मैंने चेहरे दिखो सारे परसों दिखा, मेरी भी आत्मा कांक्षी हो गई, परिहार में आपके गुरु के निर्माण में खुद आया हूँ, तो परसों आप आशीर्वाद दे रहे खुद आओ मुझे तो काम करके वादा करो परसों सुबह बीजेपी का हेड ऑफिस है, सुबह 10 बजे आपने पहुंचना है, सुबह 10 बजे पहुंचना है, कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे और हेरे नाश तो कर चालियो भी थोड़ी चाय जुगाड़ में करूंगा सारा मित्र, और बाकी रात ना रोटी खरीद का ठीक है, कितना तो कर सको मेरे खातर ही बढ़ाऊ मैं यार। तो आप सबका पुनः दिल की गहराई में बार बार करता हूँ, बीजेपी का जो मुख्यालय हेड ऑफिस मुख्यालय कहते हैं उसको, हेड आईटीओ में है उसका, बगाली मार्केट के थोड़ा पीछे जाके है उसके, मतलब आईटीओ कहते हैं आईटीओ के पास है, बीजेपी का मुख्यालय जो हेड ऑफिस है उसका। पता है ना सारा, हाँ बस तो बीजेपी हेड ऑफिस परसों मिलांगा और उसके बाद इस्तीफे के बाद मैं सारे बीच में थे मेरे बीच में ये सारे जो पार्टी तो है जी रेणुका ज्वाइन करावा पूर्व विधायक के साथ, किताब कुलदीप की वाइफ के साथ, वाइफ के साथ बोली पूर्व विधायक सारी बनाया नहीं, हाथी आ रहा है बनाया नहीं, हमारा भाई हाथी है आप लोगों ने भी आना है सर साथियों ने तैयारी करा के लिख रहा क्या कौन से कौन से पद पर है आपके साथ इस्तीफा दे दूंगा मैं भी परिवार हो भाई एक बार सुने आप सब इतनी भारी तादाद में हर गांव से आप लोग आए हैं, हम जो जिनको भी हमने प्रयास करके मैसेज दे पाए या नहीं भी दे पाए आपने साथ दिया, बड़ा भावुक भावुक मेरा मन हो रहा है आपको देख के भाई साथियों आप सुबह से सुन रहे थे कि कल कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद में परसों दिल्ली बीजेपी के हेड ऑफिस में दिल्ली के बड़े नेताओं के मौजूदगी में परसों 10 बजे आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और कल कांग्रेस और आदमपुर के विधायक पद से कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देंगे और ऐसा हो भी सकता है कि उनके पुत्र है वो
चुनाव ना लड़के कुलदीप बिश्नोई खुद चुनाव लड़े, क्योंकि जिस प्रकार उनकी बातों से लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि किसको चुनाव लड़ना चाहिए? अगर उपचुनाव होता है तो कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े या उनके लड़के हैं भव्य बिश्नोई उनको चुनाव लड़े? परंतु अब सबसे बड़ी खबर यही है कि कल आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और परसों दिल्ली बीजेपी के हेड ऑफिस में दिल्ली बीजेपी ज्वाइन करेंगे।